श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सुंदर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाए। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता है। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है, वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाएं चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोज एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोज को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है उसको। 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाए। दूसरा क्रम, अगर पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें, वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छिट्टा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंद कैश्वर, कौन से महादेव है, कुंद कैश्वर जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने, एक आनंद की अनुभूति कराने। आगे जो वर्णन आया है शिव महापुराण में देवता से, आज भी जब शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ जाता है, काला दाग पड़ जाता है शरीर में, या आंख के नीचे काला पन आ जाता है, तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर जल चढ़ाया जाता है और उस जल का भाग लाकर शरीर पर लगाया जाता है। जहां पर भी दाग होता है शरीर में से वो धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है, इतना शूल टंकेश्वर महादेव का वर्णन। महाराज भगवान
शूल टंकेश्वर के नाम से बेलपत्री के बीच का जो भाग है जहां से हमने उंगली से पकड़ा, ध्यान ध्यान दो पत्ती यहाँ है, एक पत्ती यहाँ है, बीच में जहां बेलपत्री का भाग होता है यहाँ पर घी, गाय का दूध का जो घी बनता है, परंतु होना चाहिए गाय का घी, को बेलपत्री के बीच में शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाकर 21 बेलपत्री शंकर भगवान को शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाए, उसी घी को वापिस में से निकाल कर लेकर जाए और उसको कटोरी में रखकर जहां चमड़ी गल रही हो, सड़ रही हो, या शरीर में कहीं फुलकरियां निकल रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस स्थान पर गाय का घी, शूल टंकेश्वर महादेव की चढ़ी हुई बेलपत्री का घी लगाना चालू कर दें, 8 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। शूल टंकेश्वर शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख हार को हो, भोला सब दुख हार।